हाय हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आम का चाय। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मेरी चैनल ज्योतिदास वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 किलो कच्चे आम, बट ये थोड़े से पकने लगे थे, बट कोई बात नहीं, हम इसका आज अचार बनाएंगे। तो इसका जो ये अंदर का भाग है, इसे हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो हमें इसे आमों को 4 भागों में इस तरह से हम पीसेस में काट कर तैयार कर लिया है। तो सारे हम आमने काट कर तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर हमने लिए है चीनी 1/2 किलो और नमक 1 बड़ी चम्मच। अब चीनी और नमक को आम में डालेंगे, इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर 12 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। इससे क्या होगा, चीनी और नमक पिघलकर इसमें मिक्स हो जाएगा, यानी कि इससे जो पानी निकलेगा उसी से हम इसे तैयार करेंगे। अब चलते हैं मसालों के लिए। तो मसाले के लिए हमने लिए है जीरा 25 ग्राम, पंचफूरन 25 ग्राम, सौंफ लिए है हमने 50 ग्राम, सूखे लाल मिर्च 10। अब एक कढ़ाई में हम इन सारे मसालों को डालकर भून लेंगे। तो मसाला हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद मिक्सी में डालकर हम इसके पीस लेंगे। तो मसाला भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं आम। तो हम ढक्कन खोलकर अब देख सकते हैं पानी पूरा पिघल कर, चीनी का जो चीनी है वो पिघल कर पूरा पानी हो चुका है। अब एक सॉस पैन हमने ऑलरेडी गैस पर बिठा दिए थे, तो अब इसे हम डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम आंच पर रखकर हमें इसे पकाना है और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है जब तक आम बिल्कुल पक ना जाए। और जो पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, जो चीनी जो पिघल कर पानी बन चुके थे उसी से ही हम आम को पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है, यानी कि ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर 1 बड़ी चम्मच और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम एक कांच के बर्तन में रख लेंगे। तो तैयार है आम का अचार, वो भी बिना तेल वाले। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।